नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। बिहार के हाजीपुर में दलित नेता राकेश पासवान की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,109 नए मामले, संक्रमण दर 5% के पार। 17 अप्रैल को मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। असद एनकाउंटर मामले में एसटीएफ की ओर से झांसी के बड़गांव थाने में 3 एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के पालघर जिले में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, 5 घायल। तेलंगाना के सीएम आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर, एम्स गुवाहाटी का करेंगे उद्घाटन। मुंबई के नाला सोपारा में नाइजीरिया ड्रग पैडलर अरेस्ट, 32 लाख की ड्रग जब्त। यूएस के डेयरी फार्म में विस्फोट में लगी भीषण आग, 18,000 गायों की दर्दनाक मौत। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी का प्रोमो आया सामने, दिखेगी नई भारत की झलक, शहीदों को पीएम मोदी का सम्मान।